हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ अनुलोम विलोम और काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे अनुलोम विलोम. लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों करना चाहिए, इसको इस तरह से करने से ही क्यों फ़ायदा होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, है ना, तो हम अपने फिंगर्स से एक नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, है ना. जब एक साइड से सांस लेते हैं तो दूसरी को बंद रखते हैं. तो इसको करने से हम पेशेंस सीखते हैं, हम कंट्रोल करना सीखते हैं. हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हम इसको स्लो ले सकें, जितनी धीमी गति से ये सांस ले सकें एक ही नॉस्ट्रल से, तो वो हमें सिखाता है कि पेशेंस, है ना, धैर्य रखने से हम कितनी आसानी से अपनी सांस को पूरा करते हैं, अपने लंग्स को पूरा भरते हैं, है ना. तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस होगी शुरुआत में इसे करने में, मगर यही जो है ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, है ना. तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है रीढ़ की हड्डी में, है ना. तो जो सेंटर है ना, उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको सूक्ष्मना नाड़ी कहते हैं. ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है. तो ये नाड़ियाँ जो हैं फिजियोथेरेपी लैंग्वेज में या साइंस की टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसे कहा जाता है. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपके जैसे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, है ना, और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को रिलैक्स करता है. तो ये जो है एक बैलेंस होता है. ये बैलेंस कई बार यू नो ड्यू टू सिकनेस, है ना, बैड हेल्थ, ड्यू टू स्ट्रेस, हम लोग ठीक से सांस नहीं लेते. तो ये जो पूरा बैलेंस है ऑक्सीजन की कमी से, ये बैलेंस बिगड़ने लगता है. इससे आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, इसके आपके ऑर्गन का फंक्शन इफेक्ट होता है. तो जब आप सही तरीके से सांस दोबारा से लेते हैं, आप ऑक्सीजन इनटेक इम्प्रूव करते हैं अपनी बॉडी का, ऑन अ डेली बेसिस आप ये प्राणायाम करते हैं, तो आपका जो बैलेंस है इन सभी ऑर्गन्स का इम्प्रूव होता है. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे अनुलोम विलोम करने का. तो कई लोग ये दो उंगलियाँ यूज़ करते हैं, कई लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह से हाथ रख के अंगूठे से. तो लेफ्ट साइड से जब आप लेंगे सांस, ठीक है, तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम होता है. लेफ्ट साइड से ही लेना, लेफ्ट साइड से ही छोड़ना. सूर्यभेदी होता है जब आप राइट साइड से लेते हैं और राइट साइड से ही छोड़ते हैं. लेकिन हम करेंगे जो वो है कि हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. तो इसमें हम स्पीड जो है वो स्लो रखेंगे, धीमी गति से करेंगे. अगर आपसे स्लो नहीं होता है तो आप इसको अपनी कंफर्टेबल स्पीड में अभी कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ट्राई करना है कि आप इसको स्लो करें. तो पहले आप काउंट करिए कि अगर आप थ्री काउंट्स में अगर सांस ले रहे हैं, थ्री काउंट्स में छोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जब भी आप करेंगे इस प्राणायाम को कल परसों, तो आप कोशिश करिए कि आप फाइव काउंट्स में लीजिए, फाइव काउंट्स में छोड़िए. ठीक है, और जितना आप इसको स्लो लेंगे, जितना आप स्लो छोड़ेंगे, उतना आपकी बॉडी का कंट्रोल बढ़ता है. इस प्राणायाम को आप शुरू में एक मिनट तक करिए और धीरे धीरे इसको आप पाँच मिनट तक करने की कोशिश करिए. इसमें बेसिकली कई लोग और मैं, हम सभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, सांस को बीच में रोकते भी हैं. तो मैं किस तरह से करती हूँ कि मैं प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ करती हूँ. तो जब मैं सांस लेती हूँ तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ नॉर्मल स्पीड में, फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छोड़ती हूँ. एक दो बार मैं सांस रोकती हूँ और इसको मैं करती हूँ करीब
2-3 मिनट तक। तो मेरा भी पास्ट हिस्ट्री रहा है अस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शंस का, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे भी अस्थमा रह चुका है। और प्राणायाम से, योगा से, नेति से मेरी साइनोसाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम एकदम ठीक है, है ना। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर समथिंग दैट विल हेल्प मेक कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, है ना। और अगर होता भी है इन्फेक्शन तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी, इस चीज़ की आपको गारंटी रहेगी। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस खुद भी करिए, बच्चों को कराइए, अपने बड़ों को कराइए, सबको कराइए, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो ये एक साइकिल था, इसी तरह से यहां से अब मैंने लिया, ये दो फिंगर्स जब हम सेंटर में रखते हैं तो ये मेनली कंसंट्रेशन के लिए रहता है। सारा आपका ध्यान आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जो सेंटर है वहाँ पे रहना चाहिए, या फिर अपनी सांस में रहना चाहिए। इससे एक तरह से एक आपका मेडिटेशन भी हो जाता है और आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब भी कम होता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम और भी वैरायटी के भी हैं, और इन्हीं जो मैंने बताए हैं 3-4 प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इनमें भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो आपका अभी फिटनेस लेवल कैसा है, आप प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं या आप रिकवरी के टाइम पे कर रहे हैं, कोरोना से रिकवरी के टाइम पे ऐसे कर रहे हैं, इन सब में आपका जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट रहता है, अलग रहता है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको शुरू करना है, मगर आपको धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज देना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ किसी योगा थेरेपिस्ट से या फिजियोथेरेपिस्ट से या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, 1-to-1 ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं, और किसी के सुपरविजन में आपको करना शुरू शुरू के कुछ दिनों में बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।